हमें खुद दावा ना करना पड़े कि हम अहले बैत के चाहने वाले, हमें खुद ये बात किसी से भी न कहना पड़े कि हम अली के मानने वाले हैं, हम इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। हमारे किरदार को, हमारे तौर तरीके को, हमारी जिंदगी को, हमारे किरदार को, हमारे अखलाक को दूसरे देखें और कहें ये अली वाला है, गैर देखे और ये कहे कि ये हुसैन वाला है, ये अहले बैत वाला है, तो समझिए कि उस वक्त हमारा दावा पाए सबूत और पाए तकमील तक पहुंचा। और इस सिलसिले में एक बात, एक जुमले में और अर्ज कर दूं कि एक चीज है किरदार, और किरदार के साथ साथ इंसान का अखलाक, अलबत्ता अखलाक का दायरा बहुत वसी है, उसमें किरदार भी शामिल है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं कि जो शरीयत के नुक्ते नजर से मसलन हराम नहीं करार दी गई हैं, इंसान उनसे फायदा, लेकिन वो अखलाकियात के खिलाफ है। मतलब ये कि फर्ज कर लिए कि बाजारी लोगों का वो उनवान है, बाजार वाले जो लोग क्या घटिया दर्जे की जिंदगी बसर करते हैं, उनका तौर तरीका है, उस तौर तरीके को हम अपना ले मिसाल के तौर पे। उन्हीं चीजों में से एक चीज है, आपकी खिदमत में कर दूं, इशारा कर दूं, इंसान जो चीजें इस्तेमाल करता है कभी गुटखे के नाम से, कभी सिगरेट बीड़ी के नाम से, कभी पान और सुरती के नाम से, मिसाल के तौर पे पान और तंबाकू के नाम से, हिंदुस्तानी कल्चर अजीब कल्चर है, अजीब समाज है, यहां इन चीजों के बगैर जिंदगी नहीं बसर होती। पुराने जमाने में भी पान खाया जाता था तो उसके लिए एहतमाम यह बताया जाता था कि मजलिसों में भी बाकायदा पान बन बन के आते थे, महफिलों में भी पान बन बन के आते थे, और उसी के साथ साथ हुक्का भी रखा जाता था, चुनांचे लोग हुक्का भी पी रहे हैं। आप आए जिक्र अहले बैत के लिए, जिस तरह से नवाबीन अपनी ड्योहियों पे बैठकर रजवाड़ों में जिस तरह से महफिलें जमाई जाती थी, ये वो फर्श नहीं है। यहां आप जिक्र अहले बैत मुकद्दस काम के लिए, मुकद्दस अमल के लिए आए, मालूम है कि पूरा फर्श जो है, पूरा हाल वो धुएं से बसा हुआ है। इसी सूरत से बीड़ी सिगरेट पीने वाले आदत पड़ गई, क्या करें, मजबूर है, छोड़ नहीं सकते। इसमें हुरमत का भी पहलू है और उस पहलू को हमें याद रखना चाहिए। कुरान साफ साफ कहता है ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, जान बूझ कर अपने आप को हलाकत में ना डालो। ये बताइए कि अगर हम इस वक्त जहर खा लें, हमारी मौत वाकई होगी, खुदकुशी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ये मौत हमारे लिए सही है, ये जायज है, ये काम करना कि हम जहर खा लें, कोई भी नुकसान नहीं? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं, हराम है। अच्छा, फर्ज कर लिए स्लो पॉइजन खाएं जो 10 साल में असर करे, 20 साल में असर करे, वो जायज है? जिस तरह से ये जायज नहीं, उसी तरह वो जायज नहीं। ना फौरी असर करने वाला जहर खाना जायज है और ना 10 साल में असर करने वाला जहर खाना जायज है। तो अगर सिगरेट पीने से, बीड़ी पीने से कैंसर होता है, शुगर की बीमारी होती है और दूसरी बीमारियां होती हैं जो इंसान को हलाकत की तरफ ले जाती हैं, इंसान को मौत की तरफ ले जाती हैं, और खासतौर पर इन चीजों का कसरत से इस्तेमाल जो इंसान के लिए तबाही और बर्बादी का बायस बनता है, इक्तिसादी एतबार से भी और सेहत के एतबार से भी, ये कब जायज है? लेकिन इसको तो हम सामने रखते ही नहीं, मर रहे हैं। जितने सिगरेट पिए समझिए हर सिगरेट पे एक मौत हुई, हर सिगरेट पर हम मर रहे हैं, किस्तों में मर रहे हैं ना। जहर खा लेंगे तेज सवार तो अभी अचानक मर जाएंगे, सिगरेट बीड़ी से हम किस्तों में मरते हैं, लम्हा बलम्हा मरते हैं। तो अचानक मरना गवारा नहीं, मगर किस्तों में मरना हमें पसंद है।
हो सकता है अल्लाह ने आपको 100 साल की हयात दी हो, उसको 70 साल में आप खत्म कर दिए, कहा कि अकमंदी है। हो सकता है अल्लाह ने आपको 90 साल 80 साल जीने के लिए इस कायनात में मोहलत दी हो, उसको नेक कामों में बसर कीजिए, कहा कि अकलमंदी है कि सिगरेट बीड़ी के जरिए से, गुटखे के जरिए से और इस तरह की खुराफात के जरिए से अपनी जिंदगी का अपना आप अभी खात्मा कर लीजिए। सोचिए, गौर कीजिए, आप सोचिएगा, गौर कीजिएगा, तब अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की परवरिश कीजिएगा। हमारे बच्चे जो गुटखे खाकर इस वक्त निकलते हैं गौर करके बात करते हैं, उनमें और चमारों में, उनमें और इस तरह के जो गंवार लोग हैं उनमें क्या फर्क रहता है। हत्ता के सिगरेट पान खाने वाले भी, मैं कहता हूं अहले बैत के हैं तो अहले बैत उन अखलाकियात के मालिक बनिए कि देखने वाला कहे आपको अहले बैत वाले पान खा रहे हैं, मिंबर से शेर पढ़ रहे हैं, सामने वाले का जो है सफेद कुर्ता और सफेद कपड़ा जो है वो रंगीन हो रहा है, प्रिंटेड हो रहा है, पान खा के बात कर रहे, सुभान अल्लाह कहिए ना कहिए, हकीकत है, अच्छी लगे किसी को बुरी लगे, पान खा रहे और करके बात कर रहे, आधा लफ्ज निकल रहा आधा लफ्ज नहीं निकल रहा, कहां की अखलाकियात है। इस्लाम ने सच कहां तालीम दी है। 8वें इमाम के सिलसिले में किताबों मिलता है कि कभी आपको लुआबे दहन भी फेंकते हुए, जिसे आप थूकना कहते हैं, लुआबे दहन भी फेंकते हुए कभी किसी ने नहीं देखा। इस्लाम इस चीज का नाम है, ये इस्लामी तालीमात है, ये अहले बैत की तालीमात है। उसके अलावा दांत आपका जो खूबसूरत बन के आता है, बेहतरीन चेहरे की अक्कासी करता है, वो क्या है। अगर अपनी शक्ल आईने में मुलायजा फरमाइए तब अंदाजा होगा कि इन सब चीजों के नुकसान के साथ अखलाकी खराबियां, अखलाकी बुराइयां। अब कैसे छोड़ें, बचपने से तो खा रहे हैं, बुढ़ापा आ गया, अब कैसे छोड़, अब तो कब्र में जाके छूटेगा। नहीं नहीं, वहां भी कहिएगा मलकुल मौत से या मुनकिर नकीर से कि नहीं, सवाल जवाब बाद में करना, पहले बनारसी पान लेके आओ। जी बनारसी पान ऐसी वबा है, ऐसी वबा है कि शिकागो में भी जो हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों का इलाका है, एक दिन उस तरफ मैं गया, चुनाचे मोटे मोटे हर्फों में वहां लिखा हुआ था बनारसी पान, निकलिए अमेरिका भी महफूज नहीं बनारसी पान से। और उसके अलावा लंदन में साउथ हॉल में चले जाइए जहां अपने देसी लोग बसते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, चुनाचे वहां भी आप चाहेंगे तो लंदन जैसी जगह पर जहां सफाई सुथराई के ऊपर बेहद जोर दिया जाता है, वहां भी आ जाएंगे तो जैसे यहाँ के ऑफिस में सीढ़ियों के ऊपर कोने में पान के थूक मिलते हैं, उसी सूरत से वहां भी। जो बात मैं कह रहा हूं, आप तशरीफ लाइए मदरसे की महफिलों में, अक्सर फर्श हटा के देखिएगा उसके नीचे पान जी के निशानात मिलेंगे। अच्छा ठीक है, पान आपने थूका तो जमीन पे थूकेंगे, थोड़ा सा मालूम है कि एक फिट दो फिट बुलंदी से दीवार खराब हो गई, मालूम है इतना पैसा लगाकर माले इमाम खर्च करके पेंट कराया गया, आप आए एक मिनट में उसको बर्बाद करके चले गए। लेकिन उसके बाद बेहूदगी, ये सब हकीकत बता रहा हूं, बेहूदगी, थूकने वाला यहां थूकता है, यहां नहीं थूकता है, लेकिन मालूम यह हो कि बुलंदी पे बाकायदा आप कद आदब यहां से थूका गया है, ये तो शरारत है, बदतमीजी है। और अपने को अहले बैत का मानने वाला, अहले बैत का चाहने वाला कहते, अहले बैत का दोस्तदार कहते। ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बेहद गुफ्तगू होना चाहिए और बहुत ज्यादा गुफ्तगू होना चाहिए, और लोगों को लफ्जों के जरिए से थप्पड़ लगाना चाहिए ताकि वो किसी सूरत से इस तरह की बुरी आदतों से बचें और शर्म करें अगर कहते हैं इन हालात में पान खा के गुटखा खा के, शर्म करें अगर कहते हैं अब तक हम अहले बैत के चाहने वाले हैं।